जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः 27 मार्च चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है आज, और जो दिन है वह शुक्रवार है। वैधरती नामक एक बहुत सुंदर योग है। आज अश्वनी नक्षत्र का चौथा चरण है। राहु काल जो है आज का वह सुबह 9:53 से 12:26 तक 12:26 दोपहर में रहने वाला है। इस राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य करना वर्जित है। कैसी विडंबना है ये। आज सनातन हिंदू धर्म में हमारे नवरात्रों का पर्व युगों युगों से हमारे भारतवर्ष में भारत भूमि में मनाया जा रहा है, किंतु आज कोरोना नामक महामारी के कारण हम सभी लोग अपने ही घरों में बंद हैं। हमारे सभी धर्म स्थलों पर ताले लगे हुए हैं, और इस विडंबना में हम सब, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारी सरकार चाहकर भी इस शुभ पर्व पर कुछ भी करने में असमर्थ है। कैसा घोर कलयुग आ गया है कि इस प्रकार की बीमारियां, इस प्रकार के कोरोना नामक वायरस हमें बार बार, कभी डेंगू बनकर, कभी चिकनगुनिया बनकर, कभी स्वाइन फ्लू बनकर, महामारी के रूप में हमें बार बार अटैक कर रहे हैं और लाखों लोगों की जानों को लील रहे हैं। और इस बार तो पूरा विश्व ही इस कोरोना नामक महामारी की चपेट में आया हुआ है। हालांकि मैं कोरोना के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, किन ग्रह नक्षत्रों में इसका जन्म हुआ है, इसको और अधिक जानने के लिए आप मेरे कोरोना नामक वायरस पर बनाई गई वीडियो को अवश्य देखें। शायद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। हमारी ऋषि मुनियों ने हमारे को जो खोज करके दी है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित है, वो कितनी महत्वपूर्ण है कि हम पहले ही जान चुके थे कि एक बहुत बड़ी महामारी हमारे ऊपर अटैक करने वाली है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जन हानि होगी। और यह वायरस हम सबको हमारे ही घरों में बंद कर देगा। आज मैं इस सब के बावजूद भी फिर से उन सभी लोगों को, जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, या जिन लोगों की जिंदगी का कोई महत्वपूर्ण दिन है, उन सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके लिए मंगल कामना करता हूं, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उसका आशीर्वाद आप सब लोगों पर धन धान सुख शांति संपत्ति की निरंतर वर्षा करता रहे, आपको कोरोना नामक वायरस से हर प्रकार से सुरक्षित रखे। और वो व्यक्ति जो यह चाहते हैं कि मेरा या गुरु माँ रुक्मणी का या स्वामी राज ऋषि का पर्सनलाइज्ड मैसेज गुरुजी के फोटो के साथ आपको प्राप्त हो, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप बिना किसी झिझक के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमारी मोबाइल ऐप का लिंक आ रहा है, उस मोबाइल ऐप के लिंक को डाउनलोड करिए, और वहां जाकर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको बधाई संदेश जो है पर्सनलाइज रूप से आपको भेज सकेंगे, जिसे देखकर आपको निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्नता होगी। सिंह राशि वाले लोगों, आपका जो समय चल रहा है आपके अनुकूल नहीं चल रहा। आप अपने आत्मबल को स्ट्रांग बनाइए, आपके अंदर वो ताकत है कि यमदूत भी आपसे हार जाए। तो किसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में अपने आप को कमजोर महसूस मत करिए, क्योंकि आप स्वयं अपने आप में एक बुलंदी को प्राप्त कर सकते हैं।
और यहाँ तक कि मेरा अपना मानना कि जब दूत भी आज की तारीख में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ कुछ बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, विचलित कर सकती हैं, तो आपको विशेष रूप से अपनी बीमारियों के प्रति सचेत रहने की अत्यंत आवश्यकता है। बात करते हैं परिवारजनों के साथ, परिवारजनों के साथ जो आपके संबंध हैं, उन संबंधों से आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर और अधिक लाभ उठा सकते हैं। जीवन साथी की राय मानकर आप और अधिक लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, तो भाई बहनों के साथ संबंध आपके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, तो उस संबंधों को और अधिक मजबूत बनाइए। उनका आशीर्वाद लेकर उनकी सदा मानकर चलने में निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि होती प्रतीत होती है। बात करते हैं माता की, तो माँ के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। आपकी माता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, इस बात का आप विशेष रूप से ख्याल रखें। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कहूंगा आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई का फोकस इसी प्रकार से बना रहना चाहिए। हालांकि मैं जानता हूं समय काल और परिस्थितियां सब डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, सभी को, पूरे विश्व को डिस्टर्ब करके रखा, फिर भी आप अपना फोकस मत हटाइएगा। आगे चाहिए चलकर यह सब आपके काम आने वाला है, आपके करियर का निर्माण करने वाला है। यहां पर जो प्रेमी युगल है मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी अपने जीवन अपने प्रेम प्रसंगों में आगे बढ़ने का समय है। संभाल कर कदम उठाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बीमारी की दृष्टि से विशेष रूप से जैसा मैं पहले कह चुका हूं सचेत रहने की आवश्यकता है। बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, अगर लग गई तो ध्यान रखिएगा बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। विशेष रूप से आपकी पत्नी भी बीमार होती हुई नजर आ रही है, उनका भी ध्यान रखिएगा। आपका जीवन साथी को भी कोई परेशानी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, उनका भी विशेष रूप से ख्याल रखें। आपको, आपके जीवन साथी को और आपकी माँ, तीनों को ही परेशानी होती हुई दिख रही है, तो आप अगर उनका ख्याल रखेंगे, एडवांस में ही उनको संभालने का प्रयास करेंगे तो वो परेशानी कम हो जाएगी। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य में बैठे हुए जो ग्रह देवता हैं उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। अपनी बहनों से को साथ लेकर चलने में, उनका आशीर्वाद लेने में, उनकी सलाह मानने में निश्चित रूप से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कार्यस्थल के हालात को भी सुधारने के लिए आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप अपने भाई बहनों का साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्यस्थल के हालात अनुकूल होंगे। छोटी मोटी जो यात्रा की संभावना बनती है, समय काल और परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण उनको टाल देना ही बेहतर है। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरु जी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी, तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। गलत जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरु जी के थ्रू, तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरुजी से ये पूछने आई थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना? अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है, मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। आमदनी की दृष्टि से निश्चित ही थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो सकती है, किंतु उससे ऊपर उठने का प्रयास करें। यहाँ आमदनी में आपको राहु विशेष की प्रॉब्लम हो सकती है, तो राहु महाराज को खुश करने के लिए, राहु नामक के जो ग्रह देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, अगर आप उनकी विधि विधान के साथ पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आराम आएगा। आप 7 दिन तक लगातार यह पूजा करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपको आराम आएगा। लेकिन यह पूजा अगर आप विधि विधान से करेंगे, मंत्रों के साथ करेंगे, धूप दीप चलाकर भोग लगाकर करेंगे, तो ही आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको पूजा की विधि नहीं प्राप्त
पता है तो आप बिना किसी झिझक के आप हमें ईमेल करिए, हम निशुल्क आपको ये पूजा विधि आपकी ईमेल के माध्यम से आपको भेजने में समर्थ हैं और निश्चित रूप से हम आपको भेज देंगे। उसके अनुसार पूजा करने से आपको शीघ्र ही फायदा इस परेशानी में होगा। फिर भी अगर आपको लगता है आप यह ऐसा नहीं कर सकते तो बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संबंध स्थापित कर ईमेल के माध्यम से, फोन कॉल, वीडियो कॉल या पर्सनली मिलकर अपनी आमदनी में वृद्धि के लिए अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से, अपने चेहरे के हिसाब से उपाय कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ जैसा कि आप जानते हैं आपके संबंध ज्यादातर तनावपूर्ण रहते हैं, तो उन संबंधों में सुधार लाने के लिए भी आप अपनी जन्म कुंडली या अपना चेहरा दिखाकर उपाय अवश्य करिए, ताकि आपके जीवन साथी के साथ आपके जो संबंध है उनमें खटास की मात्रा खत्म हो जाए, कम से कम हो जाए और आपका जीवन ज्यादा सुखमय हो, आपकी घर गृहस्थी में सुखों की वर्षा होती रहे। सिंह राशि वालों को आज जो लव टिप्स देना चाहूंगा तो सिंह राशि वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर वह हल्दी की एक गांठ को 3 दिन के लिए लगातार जेब में रखेंगे तो निश्चित रूप से उनके प्रेम संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी। किंतु जो व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं है किसी भी कारण से, तो बिना किसी झिझक के दूसरे उपायों के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे व्हाट्सएप, फोन कॉल, वीडियो कॉल, ईमेल के माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो सिंह राशि वाले लोगों आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव। Thank you.